ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਿੱਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਣਸਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀ ਭਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ UP ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਅਤੇ SLR ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਅਬ ਤੱਕ ਕਿਆ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? देखो, कल सुबह जब ये घटना घटी है उसके बाद हमने अपनी अलग अलग टीमें जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके लिए डिस्पैच की थी। सबसे पहले इन लोगों की गाड़ी ने कैथल डिस्ट्रिक्ट में एक नाका तोड़ा हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस ने इनका पीछा किया। एक गाड़ी ये वहां कस्बे की ना टांड गांव था, वहाँ एक गाड़ी वहाँ छोड़ के जो वरना गाड़ी थी वो वहाँ से रिकवर की। शाम को जब ये सारा ग्रुप स्प्लिट हो गया अलग अलग डायरेक्शन को मूव करके, तो इनका एक साथी था पिंदा, उसको UP पुलिस ने शामली के पास नैप कर लिया। उससे एक गाड़ी फॉर्च्यूनर और जो इनके पास वेपन थे और एक SLR जो सीनी हुई थी वो रिकवर हो गई। उसके बाद एक सुबह आज I-20 जो गाड़ी इस क्राइम में यूज हुई है वो कैथल डिस्ट्रिक्ट के पास फरल गांव है वहां से रिकवर हुई है। और मिंटू के बारे में आपको पता चल ही गया, मीडिया में आ ही गया, वो दिल्ली पुलिस ने वहां से नैप कर लिया रेलवे स्टेशन से दिल्ली से, जब ये टिकट लेके बॉम्बे जाने की तैयारी में था। दूसरा, हमारी टीम गई हुई है शामली पिंदा को इंटरोगेट करने के लिए भी, दूसरी टीम हमारी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और मैं और SSP पटियाला हम भी अभी इंटरोगेशन के लिए जा रहे हैं। सर, कहां पे तक लाया जाएगा जो शामली और दिल्ली से मिंटू और उसको प्रोडक्शन पिंदा को? अभी तो उन लोगों ने इनका लिया हुआ है रिमांड, जब उनका रिमांड खत्म हो जाएगा फिर हम अप्लाई करके लेके। अच्छा, जो SIT बनाई थी उसकी जो बनाई थी उसकी पड़ताल कहाँ तक पहुंची है? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? नहीं, SIT की जो सुपरविजन है वो ADGP साहब मिस्टर प्रमोद कुमार कर रहे हैं। वो हमारी अभी मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें जो टास्क दिए हैं वो अलग अलग टीमों को, वो हम अपने टास्क के लिए जा रहे हैं। मैं और SSP पटियाला हमें जो टास्क मिला हम उसके लिए जा रहे हैं और दूसरी टीम जो DI साहब की IG इंटेलिजेंस की वो दूसरा। कहा जा रहा है कि अभी भी जो ये अपराधी हैं फेसबुक अपडेट कर रहे हैं, कल शाम तक इन लोगों ने फेसबुक जेल के अंदर से अपडेट किया है, शेरा खुबन ग्रुप का जो है मैसेज आया है, सरकार सर इन पे किस तरीके से आप ले रहे हैं? अभी देखो, मेरे नोटिस में ये बात नहीं है। दूसरा, टेक्निकल टीम हमारी लगी हुई है, वो भी क्या IFI का हाथ है इसमें जिस तरह से अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुलदीप सिंह, दिव्या पंजाब TV, नाभा।